हेलो दोस्तों, एके इलेक्ट्रॉनिक वर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस पीसीबी में आपको मैं ये मोटर लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि इस पीसीबी में क्या है कि इसमें एयू का फॉल्ट आ रहा है, जो कि दोस्तों इसमें गैस का फॉल्ट हो सकता है। तो मैं दोस्तों इसमें ये वाले मोटर दिखाऊंगा लगा के, और इसमें कौन सा मोटर लगता है वो भी मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास दो मोटर होते हैं। सबसे पहले मैंने कैमरा सेट किया और फिर मैं आपको ये आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे दोस्तों इस पर वैसे लिखा भी रहता है, हमारे दो मोटर होते हैं, एक तो एसी और एक डीसी। तो एसी कैसा लगता है दोस्तों? ये एसी वाला मोटर यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें एक कैपेसिटर होता है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसमें कैपेसिटर में क्या होता है। 1.2 mF का ये कैपेसिटर होता है और 450 वोल्ट, ठीक है, VAC। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला मोटर इसमें लगाना है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे लगाना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसे लगाना है, अभी मैं आपको दोस्तों इसे लगा के भी दिखाऊंगा इसे कैसे कैसे लगाया जाता है। वैसे तो सारी चीज़ मोटर पे लिखी रहती है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक इसमें दोस्तों ये न्यूट्रल होता है, एक हमारा फेस होता है। तो हमने दोस्तों अभी इसे चला के दिखाऊंगा इसे पीसीबी को, इसमें क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपनी एक मेन डोरी ले लेता हूँ, जिससे कि दोस्तों पता चल जाए। तो हमें दोस्तों कैसे पता चलेगा कि इसमें न्यूट्रल है और इसमें कैसा है? इसमें सिर्फ एक वायर अलग ही दिखेगा आपको, ठीक है, उस पर N लिखा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने इसे इसमें लगाना है, और अभी आपको मैं दिखा देता हूँ इसे लगा के, ठीक है। ये दो वायर है, एक हमने इस पर लगा दिया, एक लगेगा रिले पे। रिले कौन सी? जो दोस्तों कंप्रेसर के लिए जाए रहती है। तो कंप्रेसर के लिए कौन सी रिले होती है मैं अभी वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए, एक वायर मैंने यहाँ पर लगा दिया और एक यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, पीसीबी ऑन हो चुकी है। तो पीसीबी ऑन हो चुकी है, अभी मैं आपको फाइनल दिखाऊंगा इसे, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए लाइट आ चुकी है, ठीक है, जिसमें लाइन है वो आ चुकी है बिल्कुल, ठीक है दोस्तों, डिस्प्ले में। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए सीरीज में मैंने इसे चला रखा है, और अब आप यहाँ पर देख लीजिए हमने दोनों पॉइंट इस पर देने हैं। और फिर अब मैं मोटर के आपको कनेक्शन बता देता हूँ कैसा कैसा करने हैं। तो मोटर के कनेक्शन जो है दोस्तों, वो हमारे 5 तार होते हैं इसमें, यानी कि एसी मोटर में। तो एसी मोटर में कैसे करना है मैं अभी आपको पहले डिस्चार्ज करके दिखा देता हूँ इसे, क्योंकि कैपेसिटर करंट मार सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सीधा एक ये कैपेसिटर का वायर है, यानी कि जैसा आपने देखा होगा हमारे सीलिंग फ़ैन होते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग लग जाती है कैपेसिटर में, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पर भी येलो, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ब्लू है, और अभी मैं थोड़ा सा जूमिंग करके दिखा देता हूँ ब्लू और येलो, और यहाँ पर दोस्तों रेड। अब मैं दोस्तों इसके कनेक्शन करके भी दिखाऊंगा कि कनेक्शन कैसे कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमारा जो येलो वायर है वो तो हमारे दोस्तों हमारा हो जाता है मैन, ठीक है। तो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे यहाँ पर कनेक्शन करना है। 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में सीधा दोस्तों एक कैपेसिटर से होके जा रहा है, तो वो ब्लू वाला यहाँ पर लगाना है जैसे उसमें दिखा रखा है स्ट्रक्चर, यानी कि मोटर में, ठीक है। जैसी इमेज उसमें लगा रखी है मोटर में, ऐसे हमें यहाँ पर कनेक्शन करने हैं। अगर दोस्तों अब किसी मोटर में नहीं हुए तो मैं इस वजह से यहाँ पर दोस्तों आपको बता रहा हूँ इसे कैसे कैसे कनेक्शन करने हैं। तो आप भी यहाँ पर देख सकते हैं, फिलहाल तो मैंने यहाँ पर यानी कि ब्लू वाला वायर जोड़ दिया है। अब हमारे दोस्तों टेम्परेचर वाला, जो हमारे दोस्तों इससे आता है, ठीक है, टेम्परेचर से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ब्लू वाला वायर तो हमने लगा दिया, अब हमारा येलो वाला वायर, येलो वायर वाला कौन सा लगेगा? जो सीधा हमारे दोस्तों मेन, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, सीधा डायरेक्ट आएगा आपका मेन एसी से। तो मेन एसी से यहाँ पर दोस्तों इसे लगा लेते हैं बीच वाले में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों येलो वाला लगा दिया हमने, अब हमारा बचा कौन सा दोस्तों? जो हमारा रनिंग होता है, यानी कि जो कैपेसिटर के साथ लगता है। तो कैपेसिटर के साथ कौन सा लगेगा वो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। रेड जो मैंने अभी मोटर पे दिखाया था वो रेड लगने वाला है, ठीक है। तो दो वायर यहाँ पर लग चुके, तो तीसरा वायर ये है जो हमारा रेड है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे रेड वाले वायर को यहाँ पर लगा लेंगे। तो रेड वाला वायर जो है यहाँ पर हमारा कैपेसिटर के साथ लग जाएगा, और आप देख लीजिए यहाँ पर हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से लग चुका है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका भी ये 3 वायर लग गए हैं, अब हमारे 4 वायर, यानी कि 3 वायर और बचे, क्योंकि टोटल 6 वायर होते हैं। 3 वायर कौन से दोस्तों? यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन कैसे दोस्तों? अगर इसे जैसे कि हम किसी यानी कि 5 वोल्टेज देते हैं तो हमारा मोटर जो है ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है, जिसे किसी चीज़ को सिग्नल देना। तो वही दोस्तों यहाँ पर ऐसे वायर लगेंगे यहाँ पर, इसमें आप देख लीजिए थोड़ा पास से, इसमें लिखा भी है, और मैं अभी इसमें आपको दिखा देता हूँ एक येलो वायर। अब मैं इसमें पहले आपको लगा के दिखा देता हूँ कौन से वोल्टेज कहाँ पर मिलेगी।
तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों जिक होती है, उसमें जिक नहीं थी, इस वाली में जिक है, यानी कि डिस्प्ले में जिक है। तो अभी मैं आपको इसे भी दिखा देता हूँ कम्युनिकेशन का, और यहाँ पर दोस्तों तीनों चीज़ का दिखा देता हूँ अभी कैसे कैसे लगने वाला है। ठीक है, पूरी जिक को यहाँ पर अभी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा और इसे मोटर को भी चला के दिखाऊंगा। एक ग्रे होता है, एक येलो होता है और एक हमारा दोस्तों ऑरेंज होता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज कितनी, पहले पीसीबी को चलाएंगे और वोल्टेज यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि यहाँ पर वोल्टेज जो है 5 वोल्टेज आनी चाहिए। 5 वोल्टेज क्या होती है, येलो को, ये जो येलो वायर होता है उसमें सिग्नल देने के लिए मोटर को, यानी कि चलाने के लिए येलो वायर। तो हमें यहाँ पर इसे कनेक्शन को करना होगा। तो मैं भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या है, इसे जो न्यूट्रल वाला वायर है यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। और फिर मैं अभी आपको 5 वोल्टेज चेक कराऊंगा। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे। तो फिलहाल दोस्तों मैं अभी यहाँ पर सीरीज में लगा लेता हूँ अपने इस सर्किट को, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारी डिस्प्ले आ चुकी है, यानी कि AU एरर कोड आ रहा है। तो अगर दोस्तों हम कम्युनिकेशन का नहीं लगाते हैं तो हमारा कौन सा कोड आएगा, E3, ठीक है। तो E3 दोस्तों कम्युनिकेशन के वजह से आता है, और मोटर चल के अपना, यानी कि लाइन आई, मोटर चल के बंद हो जाएगा जब तक कम्युनिकेशन नहीं चलेगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मोटर बंद होने वाला भी यहाँ पर। तो थोड़ा दोस्तों मल्टीमीटर में अभी वोल्टेज दिखाऊंगा कि यहाँ पर दोस्तों 5 वोल्टेज आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। दोस्तों आप देख लीजिए मोटर चल चुका था, यानी कि बंद हो गया है। तो बंद किस वजह से हुआ दोस्तों, वो जो मैंने अभी आपको बताया था, जब तक इसे सिग्नल नहीं मिलेगा जब तक वो दोस्तों चलने वाला नहीं है, एक बार चलेगा फिर बंद हो जाएगा। तो E3 दोस्तों आप देख लीजिए एरर कोड आ चुका है, किसके वजह से आया दोस्तों, ये 3 वायर जो नहीं लगाए, ठीक है, वो इस वजह से आया। तो अभी मैं आपको ये वाले वायर भी लगा के दिखा देता हूँ, फिर नहीं आने का E3। तो दोस्तों इस वजह से आता है E3 जो अभी मैंने आपको बताया था। तो ये वाली जिक हमें यहाँ पर ढूंढनी होगी। तो हमारी जिक दोस्तों दूसरी साइड है, तो दूसरी साइड जो है पहले एक ग्राउंड पर रखेंगे और 5 वोल्टेज चेक करेंगे दोनों पिन पर कौन सी उस पर वोल्टेज आ रही है। तो आप देख लीजिए 5 वोल्टेज इसी पे आ रही है DC की, ठीक है दोस्तों, 5 वोल्टेज DC की। तो यानी कि जो उधर की जिक है पलटने पर वही है हमारी, जिस पर मैं येलो वायर वाल लगा रहा था, यानी कि इससे अपोजिट साइड, ठीक है, ये वाली है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली है, तो इधर की साइड हमारी येलो वायर यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, येलो वायर लग चुका है जिस पर मैंने अभी आपको दिखाया था लगा के पहली, क्योंकि आपको नहीं पता कि हमारे 5 वोल्टेज कहाँ मिलती है, तो सीधा मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके बाद दोस्तों मोटर में देखेंगे कि कौन सा वायर है, येलो के बाद ग्राउंड है, ठीक है, जो कि हमारे दोस्तों ग्रे दे रखा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख लीजिए ग्रे वाला वायर है, ग्रे को भी लगा लेते हैं हम यहाँ पर, यानी कि पहले, हाँ ये है ऑरेंज, ग्राउंड जो है ऑरेंज है। और तीसरा भी अभी आपको दिखा देते हैं, तीसरा भी लगा के, तो यहाँ पर आप देख लीजिए तीसरा ग्रे। तो तीनों वायर यहाँ पर लग चुके हैं, ठीक है, तो तीनों वायर यहाँ पर लग चुके हैं। अब हम तीनों वायर को क्या करेंगे, अब इसे चला के देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसे, तो तीनों वायर यहाँ पर लग चुके हैं, क्योंकि इसमें हल्की हल्की जो पिन थी वो मैंने यहाँ पर ऐसे ही अटका दिया है, क्योंकि वो जिक ही अलग आती है, हमने क्या मोटर ये चेक करने के लिए रख रखा है। तो आप देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर अभी डिस्प्ले आने वाली है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, बटन इसका ऑन करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑन नहीं किया था अभी, तो मैंने यहाँ पर इसे लगा दिया है। तो सारी जिक यहाँ पर लग चुकी है। अब फिलहाल दोस्तों मैं अभी इसे ऑन करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये वाला भी हमने यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि वायर हिल चुका है यहाँ पर अभी, इस वजह से डिस्प्ले नहीं आई थी। तो अब जैसे मैंने इसे ऑन किया स्विच से, माइक्रो से, तो यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले आ चुकी है। और आप देख लीजिए, आप बिल्कुल लगा तो यहाँ पर मोटर चलने लग गया है, यानी कि E3 एरर कोड भी ख़त्म हो चुका है। तो E3 का क्या था एरर कोड, जो मैंने अभी आपको बताया था, मोटर के कम्युनिकेशन के कनेक्शन नहीं है, वो सही से नहीं करे इस वजह से। और दोस्तों अगर मोटर उल्टा घूमता है तो उसमें भी दिक्कत है। उसमें क्या दिक्कत है, ब्लोअर जो होता है हमारा AC में, वो हमारे दोस्तों अगर उल्टा घूमने लग जाए तो वो हवा नहीं देने का, तो हमारा सीधे घूमना चाहिए, ठीक है। तो यो जिधर को हमारा घूम रहा है वो सही है, इधर को ही हमारा घूमना चाहिए जब भी हमारा हवा फेंकता है,
ठीक है, ब्लोअर अगर हमारा इधर को घूम रहा है तो वो दोस्तों गलत है, उसमें कनेक्शन गलती हुई है, आप उसे पलट सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया येलो की जगह दूसरे वाला लगा सकते हैं, रेड वाला। तो अगर कनेक्शन में दिक्कत होती है तो वैसे कनेक्शन ऐसे है जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए बिल्कुल अच्छी तरह से चल चुका है, मैं जैसे बंद कर रहा हूँ एकदम चल जा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से दोस्तों हमारे कनेक्शन हो चुके हैं, आप भी ऐसे कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके कनेक्शन सही नहीं हुए तो E3 एरर कोड आपको देखने को मिल जाता है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वंदे मातरम।